नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आईटी डिपार्टमेंट में या आईटी सब्जेक्ट में बहुत सारे चेंजेज इस साल भी हुए हैं, और सीबीएसई ने बहुत ही लेटेस्ट अपना एक नया कुरिकुलम निकाल दिया है सेशन 2020 और 21 के लिए। मतलब कि सीबीएसई ने बहुत सारे बदलाव इसमें किए हैं, इस बार के आईटी बुक्स में भी, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ते रहे हैं या उसके पहले पढ़े हैं, उन सब चीज़ों में थोड़ा सा चेंजेस किया है। और इस बार सीबीएसई ने अपने कोर्स कुरिकुलम में एनसीईआरटी को प्राथमिकता दी है, यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड जो कंटेंट्स हैं आईटी के लिए, उसको उन्होंने प्राथमिकता दी है। तो हम लोग चलिए देखते हैं उसको। इस बार सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन कुरिकुलम फॉर सेशन 2021 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कि सीबीएसई कोड है 402। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि ये स्किल एजुकेशन ही है। स्किल एजुकेशन कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे जो भी उसको पढ़ रहे हैं, वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या फिर इंडस्ट्रियल फील्ड के लिए कैसे उसको यूज़ करेंगे, उस पर हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं इस तरह के सब्जेक्ट में। और इसको हम बोलते हैं वोकेशनल, मीन्स ये व्यावसायिक शिक्षा देती है। जैसा कि पुराने समय में आईटीआई, जिसको हम बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं आईटीआई, जो एक सब्जेक्ट होता है उसी के जैसा होता है ये। तो इसमें इसका जो एक जॉब रोल होता है कि अगर बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं या उसको करते हैं, जो कि हमारे रेगुलर अलग अलग जो 10th का जो कोर्स है, 9th का जो कोर्स है, उसके साथ ही चलता है ये, तो आगे चल के उनको क्या बेनिफिट होगा। तो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो उन्होंने जो जॉब प्रोफाइल इसमें बनाया है वो है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसका मतलब ये हो गया कि आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, अगर आप क्लास 9 में हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आप बहुत सुटेबल माने जाएंगे अगर आप इस कोर्स को अच्छी तरह से करते हैं। तो देखते हैं इस क्लास 9 के लिए इस बार क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ है। इसमें कोर्स का ओवरव्यू तो मैंने बता ही दिया, और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। इन दिस कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल स्प्रेडशीट, डिजिटल प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ाया जा रहा है आईटी, उसका ये है कि बच्चे जो हैं वो किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को कंप्यूटराइज रूप में रख सकते हैं, किस प्रकार से वो डिजिटल स्प्रेडशीट बना सकते हैं, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल फाइल जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं या डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, इंटरनेट पर कैसे काम कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट का जो सिक्योरिटी का सिस्टम होता है उसको वो कैसे फॉलो कर सकते हैं, इसको हम लोग इसमें आप पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, टू फैमिलियराइज द स्टूडेंट्स विद द वर्ल्ड ऑफ आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों को ये फैमिलियर कर रहा है कि बच्चे हमारे जो हैं वो आईटी और आईटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उसको अच्छी तरह से समझ लें। टू प्रोवाइड एन इन डेप्थ ट्रेनिंग इन यूज़ ऑफ डेटा एंट्री इंटरनेट एंड इंटरनेट टूल, आप किस प्रकार से डेटा एंट्री कर सकते हैं कंप्यूटर में, इंटरनेट का प्रयोग कैसे करेंगे, या फिर इंटरनेट आपके अलग अलग जो ऑप्शन होते हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, जिसका कि आपको सीखना पड़ेगा या फिर सीखना चाहिए। यानी इनका जो उद्देश्य है कि बच्चे हमारे इन सब चीज़ों को सीख लें। टू मेक द स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मिनिस्टर्स कोर्ट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसका जो बेसिक जो आपका जॉब रिक्वायरमेंट होता है, ये इन्हीं सब जगहों पर होता है जहाँ पर आप मतलब एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। टू डेवलप द फॉलोइंग स्किल, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपके अंदर में कौन कौन सा गुण जो होगा वो डेवलप होगा। पहला, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, मतलब आप डेटा एंट्री कर सकते हैं आसानी से। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, सारे डॉक्यूमेंट को आप डिजिटल रूप में रख सकते हैं। डिजिटल प्रेजेंटेशन, अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन देना हो या कहीं पर कुछ ट्रेनिंग देना हो तो आप खुद से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आप तैयार कर सकते हैं, डेटाबेस के बारे में आप समझ सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, और इंटरनेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। साइलेंट फीचर्स इसके दिए हुए हैं कुछ कुछ, और साइलेंट फीचर्स में ये है कि टू बी अ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स एनालिस्ट, वन रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वन शुड हैव एन इंटेंसिव नॉलेज ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन एंड नॉलेज ऑफ क्लैरिकल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स एंड डेटा एनालिसिस। ये कह रहा है कि इसका फीचर्स यही है कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको कम से कम थोड़ा सा हार्ड मेहनत, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो स्पीड जो होता है डेटा एंट्री का वो अच्छा होना चाहिए। एनालिस्ट का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक लॉजिकल माइंड होना चाहिए कि अगर कोई भी समस्या आती है तो उसको हम टेक्निकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये है। और दूसरी बात आपके पास है कि आप अगर मान लीजिए कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी आप किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में काम करते हैं या फिर किसी मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं, तो आपको
एडमिनिस्ट्रेशन का भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि कैसे वो लोग काम करते हैं, तो ये आपको इसमें सिखाया जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अब इसका जो सेशन में जो दिया जा रहा है, इसका उन्होंने किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है मार्क्स मार्क्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल के रूप में। तो क्लास 9 में 100 नंबर का ये पूरा एग्ज़ाम होता है, ये पेपर होता है, जिसमें कि 50 मार्क्स का थ्योरी है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। स्कीम ऑफ यूनिट्स जो है नीचे दिया हुआ है, यूनिट स्कीम, इसमें यूनिट्स जो आपके पास हैं इसमें दो भाग में डिवाइड किया है पूरे कोर्स को। पहला कोर्स जो आपका है पार्ट ए, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें आपके पास यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट दिए हुए हैं। और इसमें से यूनिट 1 जो है कम्युनिकेशन स्किल, उसमें आपके पास नंबर ऑफ आवर्स, मतलब इसमें 10 आवर्स दिए गए हैं आपको कि आपके पास 10 आवर्स क्लासेस चलेंगे, जिसमें कि 4 प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों है इसमें मिक्स है, इसमें कि आपको 10 घंटे में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आपको कर लेना है, ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है इसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल यूनिट 2, वो भी आपके पास सेम है 10 आवर्स। ICT स्किल, इसमें भी 10 आवर्स हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्किल में आपको 15 आवर दिया जा रहा है इसमें, और ग्रीन स्किल में आपके पास 5 आवर हैं। तो टोटल आपको 50 आवर्स का ये क्लास है, जिसमें कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिक्स हैं। मार्क्स जो इसमें पूछे जाएंगे आपके पास, मैक्सिमम मार्क्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, सो इसमें मार्क्स का जो दिया हुआ है वो आपके पास 10 मार्क्स है, यानी कि पार्ट ए से एग्ज़ाम में केवल 10 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये इसका एक क्राइटेरिया था। दूसरा जो पार्ट इसमें है पार्ट बी, पार्ट बी में आपके पास यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है IT और IT इंडस्ट्रीज़ का, और ये आपके पास जिसमें 2 आवर थ्योरी है और 4 आवर प्रैक्टिकल है, और इसमें से आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा यूनिट है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, इसमें 4 आवर क्लास है थ्योरी का और 10 आवर है प्रैक्टिकल, मतलब इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना है, और इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। डिजिटल प्रेजेंटेशन है तीसरा यूनिट, जिसमें 10 आवर थ्योरी है, 26 आवर प्रैक्टिकल है, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, 18 आवर थ्योरी, 35 आवर प्रैक्टिकल एंड 10 मार्क्स क्वेश्चन विलकम इन एग्जामिनेशन। एंड फिफ्थ यूनिट इज़ डिजिटल प्रेजेंटेशंस, 10 मार्क्स 10 आवर इन थ्योरी एंड 31 आवर फॉर प्रैक्टिकल एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स क्वेश्चन विल कम इन एग्जामिनेशन। इट मीन्स टोटल 40 मार्क्स क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस यूनिट मीन्स पार्ट बी। इस पार्ट बी से आपके लिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और पार्ट ए से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टोटल 50 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन हो गया। प्रैक्टिकल में अगर देख लेते हैं हम लोग, तो प्रैक्टिकल में पार्ट सी है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स का होगा, रिटेन टेस्ट 10 मार्क्स का होगा, वाइवा 10 नंबर का होगा 10 मार्क्स का, जो कि आपका इसी प्रैक्टिकल एग्जाम और रिटेन टेस्ट के आधार पर पूछा जाएगा, यानी कि पार्ट सी से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट डी प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड विजिट, तो प्रैक्टिकल फाइल जो आप तैयार करेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और प्रैक्टिकल फाइल से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 15 मार्क्स हो गया। और अगर पार्ट सी और पार्ट डी दोनों को मिला दें तो 50 मार्क्स हो जाता है ये। इसका मतलब क्या हो गया कि पार्ट ए पार्ट बी 50 मार्क्स जो थ्योरी हो गया, पार्ट सी पार्ट डी प्रैक्टिकल हो गया, जिसमें आपको 50 मार्क्स, टोटल आपको 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है, और आपके पास ये टोटल 200 आवर्स का ये कोर्स है। ये इसमें दिया हुआ है आपके पास कि आपको करना क्या है, डिटेल्स कुरिकुलम्स वर्क दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। इसमें जो सेकेंड दिया हुआ है आपके पास में वह है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, यानी कि पार्ट बी। तो पार्ट बी में जो सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू IT इंडस्ट्रीज, तो ये अगर हम लोग डाउनलोड करें, इसको मैं अवेलेबल करा दूंगा जहां से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारे कोर्स के बारे में डिटेल से दिया हुआ है कि उसका आप यूनिट 1 में जितने भी चैप्टर्स हैं उसका लर्निंग आउटकम्स क्या है, उसका थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या क्या करना है हमें, ये सारा इसमें बताया गया है, जैसे कि हम लोग एक एक करके देखना शुरू करेंगे और हम लोग इसको फिनिश करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेटिव है ये। अगर हम लोग इस कोर्स को कर लेते हैं क्लास 9 में, तो बेसिकली हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, अपने काम की चीज़ें बना सकते हैं, और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आसान भी है। इसमें और कुछ ऐसा तो नहीं है, बस नहीं दिया हुआ आपके पास कि इसमें आपके पास कोर्स जितने भी हैं क्या क्या पढ़ना है हमें क्लास 9 में, बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, और क्लास 10 में जब हम लोग जाएंगे तो आप देखिएगा कि इसी का एडवांस वर्जन जो है वो आपको पार्ट 2 क्लास 10 में भी आपको मिलेगा। और क्लास 9 जो है जिसे हम लोग लेवल 1 कहते हैं, जब आप क्लास 10 में जाएंगे तो लेवल 2 करेंगे, और ये जब दोनों लेवल हम लोग पार कर लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे तरह से काम कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट की इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन से हम लोग क्लास शुरू करेंगे, और हम लोग शुरू करेंगे क्लास इम्प्रोबेबिलिटी स्किल के पहले कम्युनिकेशन स्किल, पहले यूनिट कम्युनिकेशन स्किल से। तो ये था हमारे पास बेसिक सीबीएसई का नया कोर्स कोरिकुलम आईटी को लेकर के, जिसने बेसिकली आपका एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है।